योम आज़ादी के दिन इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट की जानिब से चलाया जाने वाला इदारा गुलशन फातिमा में परचम कुशाई की गई। इस मौके पर मेहमान खसूसी के तौर पर आईएएस ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन को मदऊ किया गया था। आइए जानते हैं मोहम्मद मोहसिन क्या कह रहे हैं। भगत सिंह के अपने हाथों से आपको अंदाजा होगा अभी करते उर्दू क्यों हम इम्पोर्टेंट है। तो उर्दू का भी जो है हिंदुस्तान में आजादी में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उर्दू में भगत सिंह अपने छोटे भाई को तब लिखा कि तू भाई तुम आए थे सुनने के लिए, तुम्हारी आठ आंसू से ये मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि मैं देश देश के लिए कुर्बान होने जा रहा और तुमको मैं ये देखता हूँ कि तुम कमजोर हो गए हो, तुम रो रहे हो, तो रोना मुझे गवा रहा, मुझे तकलीफ हुई है कि तुम क्यों रोए। तो ये जज्बा था हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों में कि मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान को कुर्बान देने को तैयार है, लेकिन उनको ये मंजूर नहीं है कि उनके भाई बंदे उनके रिश्तेदार उनके उनके लिए रोए हैं। तो ये जज्बा था और बहुत सारे आप गाने पढ़ेंगे, आप जंग आजादी जब पढ़ेंगे हो सकता है आपके नॉर्मल टेक्स्ट बुक में नहीं हो, लेकिन आप अगर किताब का स्टडी करें हर जगह पर कि अंग्रेजों ने हर जगह जो है हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को इसको तोड़ने की कोशिश की। बल्कि मुझे याद है दिल्ली में दिल्ली का एक वाक्य है, बताते हैं कि दो एक मुस्लिम एक जैन है, दोनों जो है नाम है भूल रहा हूँ दोनों का, फ्रीडम फाइटर्स है, वो लड़ रहे थे साथ में। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों बहुत बदमाश है, एक तो हिंदू है एक मुस्लिम है, ये अंग्रेज जो है बहुत बदमाश है, ये हमारे खिलाफ कर रहे हैं। तो उन्होंने दोनों को पकड़ के उन्होंने दोनों को सजाए मौत की और आप अंदाजा कर सकते हैं उस सजाए मौत भी इस तरह से थी कि आम लोग डर जाएंगे उनके रूह कांप जाएंगे। उधर अंग्रेजों ने क्या किया कि उसमें एक मुस्लिम जो थे उनका क्या नाम का मैं भूल रहा हूँ, उसको उन्होंने मुस्लिम में मरने के बाद दफन करते हैं। तो उन्होंने मुस्लिम जो साथ में फ्रीडम फाइटर थे उनको उधर जला दिया और जो हिंदू थे उसको दफन करते हैं। वो सिखाना चाहते थे कि देखो तुम हिंदू हो मुस्लिम हो हमारे खिलाफ लड़ रहे हो, तुम उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम सदियों याद करो। तो ये सब सोचने के लिए लोग जो है इस तरह मुझे याद आ रहा है कि यदि बाकर थे वो एक हिंदू देश पर निकालते थे हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, उनको बहुत धमकियाँ दी गई, ये किया गया वो किया गया, वो कभी नहीं मानता और बहुत पॉपुलर था वो दिल्ली का। लास्ट में उन्होंने कहा कि नहीं इसको सजा मौत दिया था, सजा मौत भी ऐसी थी उन्होंने उसको तोप के सामने उनको आगे रखकर तोड़ता था। तो मौलवी मोहम्मद बाकर मुझे इसी तरह है। तो इस तरह का जो है हम हिंदुस्तान में जो हम ये समझते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं 75 साल हो चुके हैं, तो उसमें हर एक मजहब निंदन का चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो हिंदू हो सिख हो ईसाई हो हर लोग हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है और हमें समझना चाहिए कि जो हम आज़ादी मिली है इसको हम आगे कैसे हम रख सकते हैं। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे लाखों करोड़ों उन्होंने जिस तरह से आज़ादी पाई है उसको हम और हिंदुस्तान को आज़ाद करके अच्छे शहरी कैसे बने, चाहे बच्चे हैं बच्चियाँ हों अच्छे मुल्क के शहरी शहरी बनकर हम इस मुल्क की तरक्की करें हर एक फील्ड में। अभी कुछ दिन पहले मैं हम लोग गए थे, अभी आपको पता होगा कि जो है हिंदुस्तान ने चंद्रयान को लॉन्च किया है, तो हम लोग जाके हम लोग जो भी चंद्रयान जो है वो मून के जो ऑर्बिट में जा रहा है तो हम उसको देखेंगे। तो मैं मुझे बहुत खुशी हुई, मैं एक दोस्त है वहाँ इसरो में काम करता है, मैंने कहा नहीं भाई मैं इसरो में आकर देखना चाहूँगा कि हमारे साइंटिस्ट कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं देखा था जो इसरो का ट्रैकिंग सेंटर बैंगलोर में ही है, मैं और मेरा पिता दोनों हम लोग वहाँ जाके हमने देखा कि शायद साइंटिस्ट भी हैं और हमें फख्र होना चाहिए कि हम जो है आज चांद के ऊपर अपना सैटेलाइट भेज रहे हैं। तो उस हिस्टोरिकल मोमेंट में हम भी थोड़े से इससे उस दिन जाकर इसरो के ट्रैकिंग सेंटर पर बने, तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ जो पहले हम कहते थे कि हमारा मुल्क जो है एक चार हर्ष का और सपनों का मुल्क है, आज हमारे जो है साइंटिस्ट इतना काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना कि एपीजे अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट थे वो भी एक साइंटिस्ट है। तो इस तरह का जो हमारे जो है इस मुल्क की तरक्की और जो कहते हैं डेवलपमेंट में सभी का हिस्सा है।